अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन-ए-किराम, पहले आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। तो मैंने जिन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना है इस सारे मामले में, एक रजी का, एक ईमान का, एक हामिद पीर साहब का भी, इन लोगों ने बड़ा आउट ऑफ द वे जाके बहुत जोर लगा के पूरी कोशिश की। और हाँ, वो शायद आपको मिले या नहीं मिले, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर यार, वो देखे ना, आप सहाफ़ी हैं, आप शायर हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अरशद शरीफ जर्नलिस्ट थे, लेकिन मैंने उन्हें देखा कि वो हर जगह पे पहुँचे। और उस दिन बल्कि मैंने उनका कोर्ट में शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा शुक्रिया किस बात का भाई, ये हम सबकी ड्यूटी है। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का भी बहुत शुक्रिया। खोखर साहब से मेरा एक ज़ाती ताल्लुक भी था। अच्छा। और बहुत बहादुर और सेन वाइज, मुझे उम्मीद थी कि ज़रा वो आएंगे। मुझे एक दुख बहुत ज़्यादा है कि आपकी बार कोई मोहसिन अख्तर क्या ही नहीं था। हाँ, मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा जज साहब काश मेरी दफ़ा भी आप जज होते तो मैं भी जल्दी आ जाता। तो हाँ, सबसे ज़्यादा जिनका हमें शुक्रिया अदा करना है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का करना है। और पूरे पाकिस्तान के जजेस को चाहिए कि आप अगर लोगों को हक लेकर देना चाहते हैं तो ऐसे लेकर दें जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब लेकर दे रहे हैं। ये काम काजी फायदी साहब भी कर सकते हैं, बाकी जजेस भी कर सकते हैं, और सबको करना चाहिए, और ये सबकी ड्यूटी है। और मैं एक बात आपको बताऊँ, ये सारे करेंगे भी इंशाल्लाह। हाँ, ये थोड़ी सी रात रह गई है बाकी इंशाल्लाह। उजाला इतनी तेज़ी से आ रहा है कि कोई भी जो है वो ज़ोंबी इसमें रह नहीं पाएगा, यानी ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उजाले में रोशनी को ना देखे, सबको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। सर, कान लपेटने से ये तूफान थोड़ी थम जाएगा। और ये मैं आपसे गुजारिश करूँ इमरान भाई कि मैं, क्योंकि आपको पता मैं बाघ से हूँ, कश्मीर से हूँ, आई नो जो सेंटिमेंट मैं बाघ में देख कर आया, पूरे कश्मीर में जो एक सेंटिमेंट उभरा इस अरसे में, वो इतना खौफनाक और ख़तरनाक है कि एक शेर मैंने कल परसों ट्विटर पे पोस्ट किया था, बड़ा मज़े का शेर है, वो शायद खुर्शीद रजवी का है या किसका शेर है कि आहिस्ता इस लरजते हुए पल पे रख कदम, आहिस्ता इस लरजते हुए पल पे रख कदम, सदियों का इन्हेदाम तेरे नाम ही ना। ये पल इतना ख़तरनाक है कि अगर आपने इस पर गलत या ढीला या हल्का या ज़रा सा आपने इस पर कोई लरजता हुआ आपने हाथ पांव रख लिया ना इस पल के ऊपर, तो ये जो इन्हेदाम सदियों तक जाएगा, जो डिस्ट्रक्शन सदियों के लिए होगी, वो क्या भाई आपके नाम पे होगी। ये जो भी पांव रख रहा है उसको फिर बहुत एहतियात से रखना पड़ेगा। आप अभी बाघ से होके आए ना, आपको तो बाई चांस पहुँचाया गया बाघ ताकि आप समझें कि बाघ में क्या हो रहा है। मैं अभी मुख्तलिफ सूबों में घूमता फिरता रहता हूँ, आजकल घूमता ही रहता हूँ तो मैंने लोगों के जो सेंटीमेंट इस दफ़ा देखे हैं अभी लोगों के रियासत के बारे में, रियासत को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। और मेरी बात ना माने, खुद जाके देख लें, जाके आम आदमी से मिलकर पूछ लें कि आम आदमी कहाँ पहुँच गया है। मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बोलता हूँ कि हम लोग जब मीडिया वाले कहीं जाते थे ना, आप सारे भी मीडिया वाले हैं भाई, हम जब कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले लोग हमें पूछते थे की बनेगा, अंदर की खबर बताएं, हमें बताएं कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है। अब वो नहीं है, अब हर बंदा रोकता है और बताता है कि ये हो रहा है, कि मुझे पता है ये हो रहा है, ये जिम्मेदार है और इसलिए हो रहा है। बिल्कुल, यानी वो जो सवालात लोगों के दिमागों में थे, अब वो कंफ्यूजन खत्म, लोगों ने अपना दिमाग बना लिया है, वो एक खास किस्म की सोच के पीछे चल पड़े हैं। और रियासत के लिए ये अलार्मिंग इसलिए है कि हमारे पास ले देकर ना हमारा तेल निकलता है, ना हमारे पास कोई बहुत सारे एसेट हैं, आप 10 अरब डॉलर तक तो पहुंच नहीं पा रहे, आपका जिससे हम दुश्मनी करते हैं वो 600 अरब डॉलर पे है, जिसको हमसे काट के अलहदा किया गया वो लगभग 40 अरब डॉलर पे है, तो आप 10 अरब डॉलर पे नहीं जा सकते। अफगानिस्तान का रुपया जो है वो पाकिस्तान के 4 रुपये के बराबर है। ये सारा कुछ करने के बाद ले दे के बाकी क्या बचता है, घर के बर्तन बिक रहे हैं, कभी पता चलता है जी हमारा एयरपोर्ट बिक रहा है, कभी जहाज बिक रहे हैं, कभी हमारी जो है वो मोटरवेज बिक रही हैं, कभी हमारी कोई और चीज़, कभी डैम बिक रहे हैं, तो घर के बर्तन तो बिक रहे हैं। ले देकर जो एक चीज़ रह गई है ना, वो सिर्फ ये है कि लोगों की रियासत के साथ या मुल्क के साथ वाबस्तगी, बिल्कुल उसको स्टेक पे ना लगाए, ये आखिरी चीज़ है जिसके साथ हम सर्वाइव कर रहे हैं, और यही आखिरी चीज़ इस मरतबा ये सारा गंदा खेल खेल के हमने दांव पे लगा दी। और ये दाव कभी भी आप नहीं जीत सकते, उसका रीजन ये है
इस दाव में कभी भी आप नहीं जीत सकते, क्योंकि ये नजरिए की बात है, लोगों की सोच की बात है, एक नैरेटिव है जो लोग अब बाय कर चुके हैं, अब उसका काउंटर नैरेटिव अवेलेबल ही नहीं है। रोजाना एक नई ट्राई की जाती है, एक नया बंदा लॉन्च होता है फ्लॉप हो जाता है, सुबह लॉन्च करते हैं 3 घंटे में फ्लॉप हो जाता है, 6-7 बंदे पीछे 1 महीने के अंदर लॉन्च हुए, वो सारे कुछ आपकी गैर मौजूदगी में लॉन्च हो गए थे, वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए। होता ये है कि जो मर्जी ट्राई कर ले, रियासत को रियासत के अंदर रहने वाले शहरियों की बात माननी पड़ेगी, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, आप कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद है, आपको रियासत के शहरियों की राय का एहतराम रियासत को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप अपनी वो वाली चीज़ गंवा रहे हैं जिसके बेस पे आप पिछले 70-75 साल से हम कायम हैं। मुन्ना भाई, मैंने एक बात की आपकी गैर मौजूदगी में, मैंने कहा, एक साहब मुझे कहने लगे, समझाने लगे, बड़े समझदार आदमी थे, मैं चूँकि अनपढ़ जाहिल सा आदमी हूँ, तो कहने लगे, भाईजान जो लोग हैं वो कभी रियासत से नहीं लड़ सकते। मैंने कहा, इट्स अ फैलेसी, मैंने इसे दुरुस्त कर लीजिए, रियासत कभी अपने लोगों से नहीं लड़ सकती, लोग रियासत के लिए वजूद में नहीं आते, रियासत लोगों के लिए वजूद में आती है। मैंने कहा, आप 71 देख लें, आप लोगों से लड़े थे, रियासत ही रही थी, ये चीज़ समझने में थोड़ी देरी है। नहीं, मुझे जब सेकेंड लास्ट टाइम ये मुझे 20 दिन के लिए उठाया ना, जेल में डाल दिया, तो ये मुझे ले गए उठा के एंटी करप्शन के दफ्तर में, और लेकर ऐसे गए जैसे मुझे कोई एजेंसियाँ ले गई हैं ना, मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी, सर पे बोरा चढ़ा दिया, और मुझे ले गए घुमाते रहे, पहले तो शहर में कभी इधर कभी उधर, मुझे सर लाहौर शहर मुझे ज़बानी याद है, मुझे पता मुझे कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं, ले जाके मुझे एंटी करप्शन के दफ्तर में ऊपर 3rd मंजिल पे बंद कर दिया। वहाँ बंदे आ गए नकाब पहन के, उनमें एक ऑफिसर था, मैं जानता हूँ उसको, डायरेक्टर है, मैंने उसको बता भी दिया, मैंने कहा मुझे पता है तेरा तू कौन है, तो वो जो है ना वो फिर उसके बाद रिलैक्स हो गया। वो मुझे कहता इमरान भाई, आप अपने बच्चों का ही सोच लें, छोड़े दबा करें कि इस चक्कर में आप पड़े हुए, अपने बच्चों का सोचे। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा, देख अगर मैं ये कहूँ कि मैं तेरे बच्चों का भी सोच रहा हूँ, तो वो बंदा थोड़ी देर के चुप कर गया, फिर उठ के बाहर चला गया, फिर वापस आ गया, मुझे कहता भाईजान ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है, मैं पाकिस्तान के बाहर से पढ़ के आया हूँ। ये मुझे एक एंटी करप्शन का डायरेक्टर रैंक का आदमी, पूछो उसको बुला के, जिन लोगों ने भेजा था, अच्छा उसको अभी फारिग कर दिया होगा, जिन्होंने भेजा था उसको, उसको ट्रांसफर किया बाद में, वो जनूबी पंजाब गया वापस, जिन्होंने उसको भेजा था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसको बुलाकर पूछे उसने मुझे ये कहा या नहीं कहा। उसने मुझे कहा, ये भाई मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा, मैं इस मुल्क में नहीं पढ़ा, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मैं यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ, मुझे काम करने ही नहीं दिया जाता, ये काम है जो मैं कर रहा हूँ, आपको उठा ले हूँ बगैर किसी गुनाह के, ये वो मुझे बात कर रहा था। देखें अभी नहीं, आई एम फाइन भाई, मैं अभी वुज़ू करके नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद फिर बैठ के काम करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग यूज हो रहे हैं ना, अभी मुझे उठाया पुलिस वालों ने, सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ के रो रहे थे कि यार खुदा का वास्ता हम नहीं है, हर बंदा रंजीदा था, कोई पुलिस वाला बात करने की जरूरत ही नहीं करता था, मैं बात करता था तो वो बोलता था, वो इतने तकलीफ में थे कि हमने एक बंदे को जाते हुए अहराम में हज पे जाते हुए उसे पकड़ के हमने उतार दिया गाड़ी से, और उसको जहाज़ पे चढ़ाना था, उसको उतार दिया नीचे। भाई हज करने वालों को तो आप अलविदा करते हैं, उनसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं, ये मुझे घसीट के ले गए वहाँ से। तो इन सारों को पुलिस वालों को दुख था, और पुलिस वाले गालियां। नाज़रीन इकराम, ये गुफ्तगु आपने सुनी। नाज़रीन, ये तो आपने वीडियो देखी, आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।